इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की। दुकान खुल गई, अब आप यहाँ से जा सकते हैं, प्लीज। ड्यूटी तो अब शुरू हुई है निशिचा। वो इंस्पेक्टर, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, तरह तरह की बातें सुनाई। बेटी की दुकान में दी किराया बढ़ा कर बरकत भाई को। क्या चचा बरकत को? जी, अब्बा कह रहे हैं दुकान की चाबी हमारे हवाले कर दो। सोचने के लिए बचा ही क्या है आया, अब तो बस यही फिक्र रहती है कि इस घर को कैसे चलाऊं। मोहल्ले वाले बाबा की दुकान भी नहीं खोलने दे रहे मुझे। ऐसे लगता है कि परेशानियों ने चारों तरफ से घेर लिया मुझे। मैं तुम्हें यही कहने के लिए तो यहाँ लेकर आया हूँ, लेकिन तुम कहने से डरती हो, लेकिन डरो मत, कह दो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। शट अप, तुम अपने आप को समझते क्या हो? मेरे बारे में जरूरत से ज्यादा खुशगुमान हो। और तुम इस गुमान में मत रहना कि मैं हाथ में हाथ रखा बैठा रहूंगा। मैं तुम्हें हर सूरत में हासिल करूंगा, हर सूरत में। जी अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम हमसे कुछ छुपा तो नहीं रही? अरे नहीं नहीं आपी, मैं भला आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगी। घर तो काफी खूब सजाया, जौक शौक नजर आ रहा है। ऐसे मैं भी नफासत पसंद। क्या बात है, बोल क्यों नहीं रही? अलीजिया आप ही बोलती बहुत कम है, हाथ ज्यादा चलाती हैं। आप उनको जहमत ना दें तो ही अच्छा होगा। कमाल करती हैं, बीच जहमत तो गैरों के लिए होती। हम तो आपके अपने हैं। अलीजा आप ही, आप इंस्पेक्टर साहब के लिए कुछ ले आए? अरे भाई इतनी जल्दी भी क्या है, अभी हम यहीं पे हैं। आप बैठिए। आई, वो कहते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम, और जिसने की बेहयाई उसने खाई रसमलाई। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना। नहीं। अच्छा अब्बा, ये बताएं कि आप कोई परेशान तो नहीं करता ना? और अगर परेशान कोई करे तो मेरा नंबर तो है तुम्हारे पास? हमारे पास पुलिस स्टेशन का नंबर है इंस्पेक्टर साहब। अरे भाई पर्सनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। जरूरत नहीं है पर्सनल होने की। जरूरत तो अब पड़ती रहेगी, क्योंकि सुना है तुम लोग यहां पे अकेली रहती हो। और अकेली औरतों के पास एक मर्द का होना बहुत जरूरी होता है ना? निकलो, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में, तुमने अभी तक मकान खाली नहीं किया। मुझे हर सूरत में मकान खाली चाहिए, वरना मैं तुम लोगों का ना
सामान उठा के बाहर फिटवा दूंगा। ये शरीफों का मोहल्ला है बीबी, यहाँ पे तुम्हारा रहना बनता ही नहीं है। मुझे अभी और इसी वक्त मकान खाली चाहिए। सोच क्या रही हो? लगता है ऐसे नहीं मानेंगे। इन लोगों को ना धक्के देके निकालना पड़ेगा। क्यों? सामान निकालो बाहर। अरे समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? मैं क्या बक बक कर रहा हूं? बरकत चाचा, ये इंस्पेक्टर क्या कर रहे हैं इनके घर में? बड़ी पहुंची हुई लड़कियां हैं ये। लगता है इंस्पेक्टर को फंसा लिया इन्होंने। मुझे भी लगता। चले चल। ओए, चलो, कौन हो तुम लोग? सर मैं इस घर का मालिक मकान हूँ। बहुत गरीब सा इंसान हूँ सर। 2 महीने का किराया इनकी तरफ निकलता था, वो इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। शकल से तो शरीफ आदमी लगती हो तुम। सर इसीलिए तो मैंने 2 माह के किराए का तकाजा ही नहीं किया। गुड, और आइंदा तकाजा करने की हिम्मत भी नहीं कर। जी। पता नहीं ये इंस्पेक्टर कैसी बातें कर रहा है बाहर। मेरा नाम इंस्पेक्टर हैदर है और इस घर से अब मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है। समझो कि इस घर में एक मर्द आ गया है, समझे? लगता है मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। मजीद मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं सर, मैं समझ गया आपकी बात सर। समझ गए? ठीक। जाओ। मेरी गलती है, मुझे इंस्पेक्टर साहब को यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। अब इस गलती का जाला कैसे करे? यही समझ। अरे भाई, ये क्या तुम लोग एक दूसरे को इल्जाम दे रही हो? और हाँ, मालिक मकान अपनी गलती की माफी मांग रहा था, मैंने उसे माफ कर दिया है। अब वो कभी भी आपसे किराया मांगने के लिए नहीं आएगा। आपका जब तक दिल करता है आप यहाँ रह सकते हैं। लेकिन इंस्पेक्टर हैदर की डिक्शनरी में लेकिन वेकिन का कोई लफ्ज नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारी हेल्प की। दुकान खुल गई, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। प्लीज। ड्यूटी तो अब शुरू हुई है ऋषि जी। नाम इंस्पेक्टर हैदर है और इस घर से अब मेरा रिश्ता जुड़ने वाला है। समझो कि इस घर में एक मर्द आ गया। अलीजाबा जी। हाँ बिलू, क्या हुआ? मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मगर आप? मैंने तो उससे सामान रखने को कहा था ना, तो ये सही से रख दो। जी अलीजाबा जी, मैंने दुकान में सारा सामान लगवा दिए, लेकिन लेकिन क्या? दुकान में सारा सामान वैसा का वैसा ही रखा हुआ है। जब से वो इंस्पेक्टर हमारी दुकान के बाहर कॉन्स्टेबल को खड़ा करके गया है, तब से कोई ग्राहक आता ही नहीं है हमारी दुकान पर। अगर ग्राहक हमारी दुकान पर ना आए तो? फिक्र मत कर, मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। तुम दुकान का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ। लीजाबा जी। ये अचानक लीजाबा जी को क्या हो गया? जी पुप्पो, सब ठीक है। आप तो जानती हैं बाबा के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया।
तो आप रो क्यों रही हैं? पप्पो क्या हुआ है? पप्पा की तबीयत खराब है क्या? जी आप ही भी ठीक है, दुकान गई है, मैं आपका सलाम दे दूंगी। जी अपना ख्याल रखिएगा पप्पो, अल्लाह हाफिज़। नेहा 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 आए हमारे घर में खुदा की कुदरत, कभी हम उनको देखते हैं तो कभी अपने घर को। आइए आइए ज़हे नसीब, आप मुझे फोन कर देती मैं आ जाता, आपने तकलीफ क्यों की? मैं आपकी तकलीफ दूर करने ही आई हूं। अब तुम ऐसे करो, जो मैडम के लिए चाय वाय का इंतजाम करो। जाओ। जी सर। क्या मतलब? औरत की इज्जत दरख्त पर लगा कोई फल नहीं है जिसे कोई भी तोड़ ले। मैं आपको वार्न करने आई हूं कि हमसे दूर रहें। साहब इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब आपने जितनी ड्यूटी देनी थी आप दे चुके, अब हमें आपकी जरूरत नहीं है, हम अपनी कंप्लेंट वापस लेते हैं। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? आप मुझे फोन कर देती, मैं खुद आ जाता आपके घर पर आपके खिलाफ कंप्लेन लेकर। मेरे खिलाफ? हाँ आपके खिलाफ। भैया के मालिक मकान ने ये कंप्लेन करवाई है कि 2 महीने का आप उसके घर का किराया नहीं दे रही और अलग से धमकाती हैं आप उसको, और कब्जा भी किया हुआ है उसके मकान पर। कब्जा? हाँ ये तो आप मेरा शुक्रिया अदा करें जो मैंने उसको रोक रखा है, वरना वो कब का आपका सामान आपके घर से उठाकर बाहर फेंक चुका होता। ये आप ठीक नहीं कर रहे, हमने कोई कब्जा नहीं कर रखा, हम रेंट दे देंगे। एक बात बताओ, गुस्से में बिल्कुल आप अच्छी नहीं लगती, आपके चेहरे पे स्माइल सूट करती है। हाँ रेंट की आप फिक्र नहीं करें, वो मैं पे कर दूंगा, ऐसे कसूर आपका नहीं। आपकी खूबसूरती का है। आप बैठिए ना, आपके लिए चाय का बंदोबस्त किया है। खूबसूरती हमेशा साथ नहीं देती, कोई तजाब भी तो गिरा सकता है। मेरा प्यार एक दलदल है, ना तो यहां से कोई निकल सकता है और ना ही निकाल सकता है। सोई नहीं अब तक? आप ही का इंतजार कर रही थी। नेहा मैंने सुना है कि बड़ों से अपने मसले डिस्कस करने से ना कम हो जाते हैं। तुम्हारा मसला तो बहुत छोटा सा होगा। जी क्या मतलब? देखो नेहा जरूरी नहीं है हर बात का मतलब, तुम मेरी छोटी बहन हो, मुझे पता है तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो,
बताओ क्या हुआ है? अभी वो नुमान, नुमान हुमैरा का भाई? आपी वो हुमैरा का भाई नहीं है। शक था मुझे पहले। आपी वो लड़का मुझे कॉलेज आते जाते बहुत परेशान करता है। अच्छा, छोड़ूंगी नहीं उसको मैं। लगता है लीजे आप ही आ गए। तुम उनको कुछ भी मत बताना, ठीक है? मैं सब संभाल लूंगी। मैं देखती हूँ। बाबा, आज आपकी बहुत याद आ रही है। आपकी अली से टूट गई है। इस मर्द के मार्शे ने तोड़ दिया है मुझे। नोच नोच कर खाना चाहते हैं सब हमें। थक गई हूँ मैं। मुझे पे हर एक हंसता है। आ गई आप? कैसा रहा आपका दिन? अली से आपी, क्या हुआ है? क्यों रो रही हैं आप? वो कुछ बोले तो मुझे बताएं। अली से आपी, क्या हुआ है? बाबा, हम ये घर छोड़ रहे हैं। क्या कह रही हैं आप? हम कहाँ जाएंगे? मुझे कुछ नहीं पता हया, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है कि हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। अच्छा अच्छा, आप रोए तो नहीं? प्लीज चुप हो जाए। हाँ, मैं बहुत परेशान हो गई। कुछ समझ ही नहीं आ रहा। देखिए, परेशानियां तो जिंदगी का हिस्सा होती है ना, लेकिन उनसे फरार तो मुमकिन नहीं है। आप, अच्छा आप मुझे बताएं, क्या हुआ है? आपको किसी ने कुछ कहा है? आप कहां से आ रही हैं? वो इंस्पेक्टर, उसने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, तरह तरह की बातें सुनाई, गंदी गंदी बातें जो कोई भी इंसान अपने बारे में नहीं सुन सकता। जबकि मैं ऐसी रही हूं, आज अगर बाबा होते तो वो इन सबको तोड़ जवाब देते। लेकिन कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि मैं औरत हूं और वो इस
मुआशरे का मर्द जो किसी भी औरत पर कैसे भी उंगली उठा सकता है, किसी के भी किरदार कशी कर सकता है। मैं अकेली नहीं लड़ सकती इन लोगों के साथ। इस जमाने से डर कर मैंने ये सोचा है कि हम ये घर छोड़ देंगे। इतना गिरा हुआ इंसान और कितना गिर सकता है। छोड़ूंगी नहीं इसको मैं। इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए। नहीं आया, तुम कुछ नहीं करोगी, कुछ भी नहीं करोगी। तुम्हें मेरी जान की कसम। घटिया जलील इंसान, इसने आपको रुलाया है ना। अब आप देखें, इस बार मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। आप ही मैं आपको रोता हुआ नहीं देख सकती। आपका टूटना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर आप भी टूट गई तो हम बिखर जाएंगे। ना भाई ना कोई रिश्ता है, बस एक उम्मीद के यार अब तू सबकी सुनता है। रहम कर दे मेरे मौला, मेरा तू ही सहारा है। रहम कर दे मेरे मौला। हीरे जैसा इंसान भी ना गुस्से में कोयला हो जाता है। क्या मैं गुस्सा भी नहीं करूं? एक तरह से धुतकारा है उसने मुझे। मैं इतनी कोशिश कर रहा हूं उसको समझाने की, लेकिन वो समझ ही नहीं रही। मैंने कहीं पढ़ा था कि प्यार मुश्किलों में ही होता है। क्यों? ये आज पता चला। मजनू साहेब, उसे सोचने का थोड़ा सा टाइम तो दें। आप तो एंट्री पे एंट्री मार रहे हैं। तू कहीं मुझसे ज्यादा डेढ़ होशियारी तो नहीं कर रहा? कभी तू कहता है कि मैं उसे भरोसा दिलाऊं, और अब कह रहा है कि मैं उसे वक्त दूं। करूंगा तो पूरी होशियारी करूंगा। ये डेढ़ होशियारी से ना मेरा पेट नहीं भरेगा। दिमाग नहीं खा, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, मजाक के मूड में नहीं हूँ। अच्छा चल, चिल किया कर, हर वक्त मुंह से आग मत निकालता रहा कर। आग की हद वही जानता है जो उसमें जल रहा होता है, और वो मुझे जला रही है। मैं उससे प्यार करता हूँ, लेकिन बात उसको समझ नहीं आ रही। देख यार, यूं मुझे प्यार व्यार के बारे में इतना तो नहीं मालूम, लेकिन फिल्मों और ड्रामों में यही सब होता है जो तेरे साथ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता हीरोइन को विलन, मतलब हीरो के साथ प्यार हो ही जाता है। पता नहीं कब यार, कब नेहा को मुझसे प्यार होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। हो जाएगा, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। चल आखिरी शो देखने चलते। मैं नहीं जा रहा। चल ना। मैं नहीं जा रहा। तोबा तोबा, इन बहनों के चलन देखें। जब भाई साहब जिंदा थे तो कभी कोई इनके दरवाजे पर नहीं आया, और अभी तो उनका कफन भी मैला नहीं हुआ, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया। हाँ जमीला बहन, मैंने भी उस इंस्पेक्टर को इनके घर आते जाते देखा है। अरे भाई बरकत का बेटा बता रहा था, एक लड़का और भी आता है। बेशरम बेहया, ये मोहल्ला तो अब रहने के लायक ही नहीं रहा। अरे नफीसा, तुम अपने बच्चों को बचा कर रखना इन जादूगरनियों से। मैं तो अपने बच्चों को इनके घर के दरवाजे के सामने से गुजरने तक नहीं देती, इन चुड़ैलों का क्या पता। वैसे मोहल्ले वालों को कुछ करना चाहिए बहन अब। अरे जब इन बहनों की गैरत खत्म हो चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं? कुछ तो शर्म करें खाला, कैसे घटिया अंदाज में बात कर रही है। आप भी तो बेटियों वाली हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटियां तुम्हारी तरह घरों से बाहर नहीं जाती, और ना ही बेशर्मों की तरह दुकान चलाती हैं, और ना गैर मर्दों को घर में बुलाती हैं। खाला चुप रहो, तुमने तो सारी हदें ही पार कर रखी हैं। चलो बहन चलते हैं।
हाँ कितने दिन हो गए रशीदा की कोई खबर नहीं, चल उसके घर चलते हैं। सही। नेहा चलो मेरा। नेहा मेरी बात सुनो। नेहा मैंने आज जो तुम्हारे साथ सलूक किया इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। I'm really sorry। I know तुम्हारे लिए इस तरह माफ करना आसान नहीं होगा लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं सका, मुझे नींद नहीं आई। I'm really sorry। तुम्हारी छिछोरी हरकतों के बाद ना मैं तुमसे बात तक करना नहीं चाहती। चलो मेरा। नेहा अंधे हैं क्या? कर दिया ना मेरा नुकसान। सड़क पे चलने की तमीज नहीं है आपको? आंखें तो आपने चार चार लगा रखी हैं। I'm really sorry। सॉरी से मेरा नुकसान पूरा नहीं होगा। I'm really really sorry मैम, मैं आपका नुकसान पूरा कर दूंगा। पैसों से नुकसान पूरे नहीं किए जाते मिस्टर। अब्दुलरहमान नाम है मेरा। मैंने आपका नाम नहीं पूछा। आपको कुछ अंदाजा भी है मेरी बहन अब सारा दिन भूखी रहेगी, और भूखी रहने के कितने नुकसान आते हैं आपको पता है? देखिए मुझे वाकई नहीं मालूम था। क्या भूखे रहने के नुकसान? अरे नहीं, मेरा मतलब कि मैं आपसे टकरा जाऊंगा। टकराने के लिए व्हाट्सएप नहीं आता है बल्कि दोनों आंखें खुली रखकर चलना पड़ता है। देखिए मैंने आपसे सॉरी कर लिया ना। ओह बड़ा एहसान किया आपने मुझसे सॉरी करके। गलती भी तो आपकी थी, सॉरी भी आपको ही करना था। देखिए मुझे देर हो रही है, मुझे कहीं जाना है। एक्सक्यूज मी। अजीब किस्म का इंसान है, एक तो मेरा नुकसान कर दिया ऊपर से। बाबा ने तो बहुत से मोहल्ले वालों से पैसे लेने थे उधार के, मगर कभी उन्होंने इस बात का जिक्र ही नहीं किया। अलीजे। चाचा राशिद आप। बेटा कैसी हो? बाप के मरने के बाद बेटी कैसी हो सकती? हाँ मैं समझता हूँ तुम्हारा दुख। सब दुख तो समझते हैं चाचा, मगर कोई दर्द नहीं जानता। बेटा मैं नहीं चाह रहा था आना लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं जानती हूँ चाचा, बाबा के जाने के बाद आपने आज तक हमसे कराया नहीं मांगा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ थोड़ा सा वक्त और दे दें, मैं आपकी पाई पाई चुका दूँ। बात पैसे की नहीं है। तो फिर चचा क्या बात है? मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को खास आमदनी नहीं है, पर पेंशन आती है, किराया दुकान का आता है। आप बात को घुमा क्यों रहे हैं राशि चचा? खुलकर कहें ना क्या बात करना चाह रहे। बेटी की दुकान में दी किराया भी बढ़ा कर बरकत भाई को। क्या चचा बरकत को? जी। अब्बा कह रहे हैं दुकान की चाबी हमारे हवाले कर दो। अरे वालेकुम सलाम, कैसे हैं बरकत भाई? ठीक है। अरे यार इतनी लंबी लिस्ट, इतना आपको उधार दे दूंगा तो मेरी दुकान कैसे चलेगी? बेटे को जैसी जॉब मिलेगी दे दूंगा आपको पैसे। यार वो तो ठीक है लेकिन पहले भी 4,000 देने हैं आपने, हैं? इतना उधार नहीं मैं दे सकता हूँ यार, मुश्किल है। जैसे आपकी मर्जी। बाबा
चाचा बरकत को सामान दे देना। बेटा इतना सारा सामान उधार पे दे दूंगा तो कैसे बात बनेगी? बाबा आप ही तो कहते हैं कि एक दूसरे के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। वो तो ठीक है लेकिन पापा प्लीज दे देना, आप तो मेरी बात कभी नहीं टालते। किस्मत वाले होते हैं ऐसे माँ बाप जिन्हें ऐसी औलाद मिलती है। जीती रहो बेटा, मैं देख तो निकालता हूँ। लीजिए बेटी, सोच क्या रही हो? सोच रही थी चाचा कि बुरा वक्त नहीं आएगा तो पता कैसे चलेगा कि अच्छा वक्त कैसा था। चाचा लीजिए बेटी क्या लगा रखा है, इनसे पूछें दुकान कब खाली कर रहे हैं। मैं दुकान खाली नहीं करूंगी। देख लो चाचा कैसे धमकी लगा रही है। बेटा रुको मैं बात करूंगा इनसे। चाचा लातों की भूत बातों से नहीं मानते, अब इस दुकान का मालिक मैं हूँ, ये सामान उठा के बाहर फेंकवा दूंगा सारा। खबरदार, कांस्टेबल कांस्टेबल। जी मैडम जी। चलो चाचा बाद में बात करते हैं। क्या हुआ मैडम जी, कोई मसला है? कुछ नहीं, सब ठीक है, आप जाए। चले ठीक है। अपनी बहनों के लिए किसी से भी लड़ जाऊंगी मैं, किसी से भी। Thank you.